नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व नगरी। मैं नीलमणि। मौजूदा समय में श्रीलंका के हालात खराब चल रहे हैं। श्रीलंका अपने अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। आर्थिक संकट से बुरी तरह घिर चुके श्रीलंका में विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सोमवार को अपने भाई और देश के वित्त मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। सरकार के 36 घंटों तक लगाए गए कर्फ्यू के बावजूद हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अपने पद पर बने रहेंगे। पता हो कि कैबिनेट के सदस्यों ने एक दिन पहले ही पीएम को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालात को देखते हुए विपक्ष ने भी सरकार के यूनिटी सरकार में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आपको बताते हैं श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट से जुड़े अपडेट्स के बारे में। पुलिस ने उन करीब 2000 लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की, जिन्होंने कर्फ्यू से जुड़े आदेशों का उल्लंघन किया है। श्रीलंका के लोगों ने सरकार के खिलाफ राजधानी कोलंबो में इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करना जारी रखा। कैबिनेट के 26 मंत्रियों के इस्तीफा दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने भाई और वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे को बर्खास्त कर दिया है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजीत निर्वात कैब्रल ने कहा कि उन्होंने सभी कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफा देने के बीच अपना भी इस्तीफा सौंप दिया है। प्रेसिडेंशियल मीडिया डिवीजन के महानिदेशक सुदेवा हटी आर्की ने कहा कि वित्तीय मामलों की देखरेख करने का काम अब अली साबरी करेंगे। वह बासिल राजपक्षे की जगह लेंगे, जबकि जीएल पियरिस विदेश मंत्री के पद पर बने रहेंगे। श्रीलंका की विपक्षी पार्टियों ने प्रस्तावित यूनिटी सरकार में शामिल होने के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के निमंत्रण को दिखावा कहकर खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ने संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्षी दलों से राष्ट्रीय संकट के समाधान खोजने के प्रयास में शामिल होने के लिए कहा था। श्रीलंका के विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदास ने भारत से हस्तक्षेप की मांग की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जितना हो सके श्रीलंका की मदद करने का अनुरोध किया है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक CBSL के पूर्व अधिकारी नंदलाल वीरासिंघे ने कहा है कि उन्होंने बैंक का अगला गवर्नर बनने का राष्ट्रपति प्रस्ताव का स्वीकार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए विश्व नगरी।